दोस्तों नमस्कार। अभी ट्यूटोरियल चैनल में आप लोगों को मैं अभिषेक यादव सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम मैथ्स पैडागोजी के आज महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों आप लोग देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा पैडागोजी में विभिन्न प्रकार की विधियां। दोस्तों आगमन विधि वह विधि होती है जो विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो क्रिया करते हैं या गतिविधि निर्धारित होती है वो आगमन विधि में होता है। दोस्तों एक देखना आप लोग निगमन विधि है। दोस्तों निगमन विधि जो है निगमन विधि में हम लोग नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, ये निगमन विधि है। दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूँगा संश्लेषण विधि और विशेषण विधि दो विधियाँ और हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को पता होना चाहिए संश्लेषण विधि में किसी चीज़ को पढ़ करके उसका संश्लेषण किया जाता है और विशेषण में किसी चीज़ को पढ़ करके उसका विश्लेषण किया जाता है। ये दो विधि होती है संश्लेषण विश्लेषण। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा गणित में अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है, आकार, विस्तार, स्थिति या उपरोक्त सभी। दोस्तों रेखा गणित में हम जब किसी प्रकार की कोई आकृति डिजाइन करते हैं तो हमें उस समय रेखा भी बनाना पड़ेगा, आकार भी बनाना पड़ेगा, विस्तार भी बनाना पड़ेगा, स्थिति भी। मतलब दोस्तों इसका जो आंसर आएगा उपरोक्त सभी आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन में देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहा है गणित शिक्षण के प्रयोगात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। दोस्तों सजीवता है या सक्रियता है या उपरोक्त दोनों। दोस्तों गणित शिक्षण के प्रयोगात्मक सिद्धांत का जो सूत्र है वो सजीवता का। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग आज 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, आपका एक नंबर यहाँ से कवर होगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार में लिखा है गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। दोस्तों शिक्षक को पाठ याद होता है, विषय वस्तु का विकास मुख्य अवस्थित ढंग से किया जाता है, विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जाता है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है। बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर होगा विषय वस्तु का विकास मुख्य अवस्थित ढंग से किया जाता है। यही विषय वस्तु का विकास मुख्य अवस्थित ढंग से किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। एक गणित शिक्षक में जो हमारा लेसन प्लान होगा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हमने जो विषय वस्तुओं को पढ़ाना है उसका हमें विकास करना, ये हमारा सबसे पहला ढंग होगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पाँच में गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, समाज शास्त्र के साथ। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए गणित जो विषय है उसका सबसे ज़्यादा नज़दीकी और करीबी रिश्ता होता है विज्ञान के साथ। विज्ञान के साथ गणित का एक अंतः संबंध पाया जाता है। जो विज्ञान के छात्र होते हैं उनको गणित की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है और गणित के छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता होती है। अर्थात अगर हम सीधा बात करना चाहें तो गणित और विज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधी हैं। दोस्तों उन दोनों के बीच एक संतुलन होता है। गणित के बगैर साइंस नहीं पढ़ा जा सकता और विज्ञान के बगैर गणित को नहीं पढ़ा जा सकता। दोस्तों ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर छः में आप लोग देखेंगे गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों, कोई नहीं। दोस्तों गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं सार्वभौमिक व वस्तुनिष्ठ दोनों। क्योंकि गणित में जो नियम होंगे वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, वैकल्पिक होते हैं, और जो निष्कर्ष होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। इसे दोस्तों इसका आंसर होगा वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। दोस्तों प्रश्न नंबर सात देखेंगे वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। दोस्तों वे उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है वो कहलाता है शिक्षण उद्देश्य। क्योंकि हमारा शिक्षा का एक उद्देश्य होता है
उसी चीज़ को हम लेसन प्लान बना करके बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में। मतलब हम जिस उद्देश्य के लिए पढ़ाते हैं वही हमारा लेसन प्लान होता है, वही हमारी पाठ्य योजना होती है। और जब हम उसको क्लास में या कक्षा में प्राप्त कर लेते हैं, मतलब हमें शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से शिक्षक जो भी उद्देश्य होता है वो कक्षा में उसको प्राप्त करना होता है, उसका सर्वोपरि लक्ष्य होता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, विद्यालय की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, छात्रों की आधारशिला। दोस्तों मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट, जब हम को विद्यार्थियों को मूल्यांकन करना होता है दोस्तों, तो हमें प्रश्न पत्र निर्माण करना पड़ता है। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों के मूल्यांकन में प्रश्न पत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों प्रश्नोवा में देखेंगे, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है, योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर आएगा ये सभी, क्यों कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित योजना विधि भी है, या इसको प्लानिंग बोलेंगे, निगमन विधि भी है, अधिगम अनुभव कितना प्रभावशाली रहे ये भी हमें जानना जरूरी है। तो वैज्ञानिक विधि में दोस्तों दोनों चीज़ें जाएंगी, इसका मतलब ये है कि योजना विधि निगमन विधि दोनों आएंगी, और अधिगम अनुभव कितना प्रभावशाली रहे ये भी तीसरा जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों प्रश्न 10वां देखेंगे, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग बता पाएंगे कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में क्या सम्मिलित होता है। तो दोस्तों विषय वस्तु का चयन भी करेंगे, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण भी करेंगे, शिक्षण विधियाँ का निर्माण भी करेंगे, अर्थात उपरोक्त सभी। आपको एक बढ़िया सा लेसन प्लान तैयार करना है, तो आपके लेसन प्लान में शैक्षिक योजना में शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए, शिक्षण विधियों का निर्माण होना चाहिए, विषय वस्तु का सटीकता से चयन होना चाहिए, अर्थात ये सभी आप लोगों के आंसर में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को सेंड करें। धन्यवाद।